हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनीष जी ब्लॉग में। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हुई होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जैसा कि आपको पता है कि आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल को आज ये जन्मदिन है। तो आज उस उत्सव है, आज त्यौहार की तरह ये बड़े धूमधाम से ये मनाया जा रहा है और बहुत ही सुंदर सुंदर एक झांकी भी है। तो आइए हम उसको देखेंगे और आनंद उठाएंगे। तो दोस्तों, निवेदन कर रहा था कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मनीष जी ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो आइए देखते हैं सुंदर दृश्य और झांकी का नज़ारा, सुंदर सुंदर कि कैसे वे उत्सव को मना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये श्री आंटी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है और ये किसी बहुत सुंदर इसको सजाया हुआ है और यहाँ पर फूल वगैरह चढ़ा करके फोटो खींच रहे हैं और ये इधर और झांकी निकल रही है। तो फ्रेंड, ये झांकी है और कितने प्रकार से ये आगे चल रही है और ये कितने यहाँ पे भीड़ भड़का भी है और सभी अगली झांकी है ट्रैक्टर से और यहाँ बैंड भी है, बैंड आगे जाकर हम करते हैं। सुंदर सा सजाया गया है और इतनी अच्छी तैयारी उन्होंने की और बड़े तुम तो ठहरे पड़ते इसी साथ चले जाओगे।
तो दोस्तों किस प्रकार यहाँ पर खुशियाँ जाहिर की जा रही है और खुशी भी है, होनी भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों बाबा साहब ने हमारे देश का संविधान लिखा है और आज हम उस खुशी को मना रहे हैं, क्योंकि उनका बाबा साहब जी का जो जन्मदिन है, उन्होंने कार्य ऐसे किया है जो कि भुलाया जा नहीं सकता, और हमारे मन में बाबा साहब के जो सम्मान है, इज्जत, वो बनी रहे। क्योंकि ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, क्योंकि जो कार्य बाबा साहब ने किया वो भुलाने लायक नहीं है, तो हम हमारे मन में वो जोश, वो जुनून बना रहे और हम इसी प्रकार जो खुशियां मनाते रहें, और सब जो लोग नहीं हैं वो भी देखकर उनके मन में वो जोश, वो जुनून पैदा हो और बरकरार रहे। तो दोस्तों मनीष जी ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। थैंक्स यू।